नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर अयोध्या से, जो सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अयोध्या दौरे पर हैं। वहीं आज अपने दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष महंत संत परमहंस रामचंद्र दास की 21वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने बांग्लादेश को लेकर भी बात की। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आइए आपको सुनाते हैं। कि उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का कार्य रहा हो या उसके उपरांत न्यायालय से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य रहा हो, गोरक्षपीठ और पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज मिलकर के पूज्य संतों के सानिध्य में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और आज इसी का परिणाम है कि पूज्य संतों की साधना फलीभूत हुई, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और विराजमान होने के साथ ही देश और दुनिया में अयोध्या धाम एक बार फिर से त्रेता युग का स्मरण कराता हुआ दिखाई दे रहा है। अयोध्या के संतों का गौरव बढ़ा, अयोध्या को एक नई पहचान मिली। उसी के अनुरूप परमहंस जी मूर्ति को देखकर कैसे लग रहा था जैसे वे अभी कुछ बोलने वाले हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि 21 वर्ष के बाद ही सही दिगंबर अखाड़ा में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को स्थापना का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की बात आती है तो गोरक्षपीठ, गोरखपुर और दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे एक दूसरे के पूरक बनकर के कार्य करते थे। आज से नहीं, 1940 के दशक से। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।